press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का दमदार इंटरव्यू, जिसमें वो आज ओवैसी को आड़े हाथों लेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। तो आपके ख्याल में ये इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को भड़काया जाने की ट्राई हो रही है कि मुसलमान भड़क जाए और ये कुछ तरह का कोई नाखुशगवार हादसा? जी, कॉमनल राइट का पूरा इंटेंशन था कि किसी भी तरीके से जो मुसलमान, जो शिक्षित मुसलमान हैं, जो बहुत एडुकेट मुसलमान हैं, जो मोदी जी के समर्थन में आकर के खुले आम खड़े हो चुके हैं, उनके सामने ये बात रखी जा रही है कि देखो हमें तो भारत में नमाज भी नहीं पढ़ने दिया जाता है। और पूरी स्ट्रैटेजी कि भाई वीडियो कर रहा है कोई खड़ा होकर के, पढ़ रहे हैं 20-25 लोग नमाज, लेकिन जैसे ही वो इंसिडेंट हुआ वैसे ही कम से कम 2 लाख मुसलमानों की भीड़ लग गई वहां पर। पावर दिखाने की कोशिश हो रही है, उस बात को और बड़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बात बड़ी हो नहीं सकी क्योंकि इमीडिएट उस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि उसने तो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत उनको हटाने की कोशिश की, उसका तरीकाकार गलत जरूर था कि उसने धक्का मारा या क्या। वैसे अगर देखा जाए तो उसने तो जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन की पासदारी की है कि उन लोगों को हटाने की कोशिश की, ट्रैफिक जो है वो, ताकि वो बहाल हो सके। अच्छा, एक मैं और मैंने एक वीडियो देखी है कि असदुद्दीन अवैसी का भी कुछ बड़ा बंदोबस्त किया गया है। मैंने एक महिला देखी है जो उनके जो है मुकाबले के लिए उतारी गई, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, मैं बहुत इंप्रेस हुआ उस महिला से। जरा वो भी जरा बताइएगा और क्या आपको नजर आ रहा है, असदुद्दीन अवैसी का पत्ता साफ हो रहा है अगले इलेक्शन में? देखिए, कविता जी एक ऐसी महिला हैं जो बहुत हाईली एडुकेटेड है और उनके ऑरा से ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो भारत की पुत्री है। वो जिस हिसाब से अपने आप को रखती हैं और जिस हिसाब से उनके उनका लहजा है और बहुत वोकल वॉइस, हैदराबाद की सबसे बड़ी वोकल वॉइस, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ चार मीनार के रोड पर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ा है। 3 तलाक बैन कराने के लिए, निकाह मसियार जो हैदराबाद में सबसे ज्यादा होता है उसको बैन कराने के लिए, निकाह मुत्ता जो हैदराबाद में सबसे ज्यादा होता है उसको बैन कराने के लिए सबसे ज्यादा अगर आवाज ऊंची किया है तो उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही किया है। अब देखिए, आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, क्योंकि अवैसी तो पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए सिर्फ नेगेटिव बातें ही बताता है। अवैसी जिस क्षेत्र का, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेटियां बेची जाती है। चार मीनार पर जैसे जैसे बकरीद में बकरे का बाजार लगता है ना, वैसे ही चार मीनार पे बेटियों का मुसलमान बेटियों का बाजार लगता है बेचने के लिए, और जो बाहर से शेख वेक आते हैं वो खरीदते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन आते हैं वो खरीदते हैं। और आज से ज्यादा दिन नहीं, 20-22 दिन पहले एक बच्ची जो हैदराबाद से बेची गई थी, उसने किसी मुस्लिम कंट्री से एक चिट्ठी भेजी है अपने पिता को, अपनी माँ को, कि मुबारक हो अम्मी, मैं 18वें शौहर की बीवी बन गई। और वो नेशनल न्यूज पर आया था, मतलब एक के बाद दूसरा खरीदा है, दूसरे के बाद तीसरा खरीदा है। तो जिस माँ ने बेचा था उस माँ को उसने चिट्ठी लिखा है कि मुबारक हो अम्मी जी, मैं 18वें शौहर की बीवी बन गई। तो अवैसी का के क्षेत्र में औरत को भेड़ बकरियों की तरह बेचा जाता है, 9-9 साल की बच्चियों का निकाह कराया जाता है 40-40 साल के मर्द से, और 9-10 साल की, 11 साल की, 12 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट जबरदस्ती डॉक्टर को, हकीम को दिखा दिखा करके प्रेग्नेंट कराया जाता है। और उसके बाद फिर मतलब बच्चियों के साथ जो हलाला की प्रक्रिया, उसके बाद निकाह मसियार की प्रक्रिया, उसके बाद निकाह मुत्ता की प्रक्रिया, ये सबसे ज्यादा अगर भारत में होता है तो सबसे ज्यादा अवैसी के क्षेत्र में ही होता है, हैदराबाद में। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ कि आपको याद होगा कि सानिया मिर्जा हैदराबाद की है, और जब सानिया मिर्जा के ऊपर फतवा जारी होना स्टार्ट हुआ था तो यही अवैसी था जो उसके घर के सामने चिल्लाना चिकना किया था कि तू बाहर निकल तब बताता हूँ। ये वही अवैसी है जिसने तस्लीमा नसरीन की साड़ियां खोलने के लिए और साड़ी खोल खाल करके मारा था तस्लीमा नसरीन के ऑफिस में घुस करके।
एक औरत की साड़ी खोल दिया था भाई, वो अपनी अपनी बात रख रही है, तुमको नहीं सुनना है तुम मत सुनो, तुमको अगर उसका मुंह बंद करवाना है तो तुम कानून के पास जाओ, तुम कानून के पास जाकर के उसका मुंह बंद करवाओ। तुम एक मर्द हो करके, सर पे टोपी रख करके, बदन में शेरवानी पहन करके, तुम कैसे किसी औरत की साड़ी खोल सकते हो? और अवेसी का एक चरित्र हमेशा से रहा है कि वो औरतों से बहुत नफरत करता है, वो औरतों से बहुत घिन करता है, वो औरतों को बहुत नीच चीज समझता है। आप अवेसी के मंच पर कभी भी किसी औरत को नहीं देखिएगा, हिजाब वाली औरत को भी नहीं देखिएगा। आप अवेसी के आसपास या अवेसी के भाषण में आप कभी भी नहीं सुनिएगा कि हमारे मुसलमान कौम की बेटियों को पढ़ करके कुछ बन जाना चाहिए। आप अवेसी की स्पीच में कभी भी नहीं सुनिएगा कि वो कह रहा है कि मैं बाहर से, इंडिया के बाहर से, फॉरेन कंट्री से बैरिस्टर बन करके आया हूँ और मैं बच्चों को, अपने मुसलमान बच्चों को भारत में बैरिस्टर बनाऊंगा या शिक्षित करवाऊंगा, कभी नहीं। वो हमेशा स्पीच उसी हिसाब से देता है जिससे मुसलमान युवा जंगजू हो जाए, जिहादी हो जाए, आतंकी हो जाए, अजमल कसब वाला दिमाग आ जाए, वो इस हिसाब से ही भाषण देते हैं। और ऐसे सिचुएशन में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग महिला उनके ओपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है जो मुंह तोड़ जवाब देगी, जो ईंट का जवाब पत्थर से देगी, जो उसकी सारी सारी अश्लीलताओं का, अवेसी की सारी अश्लीलताओं का बाजार उसके मुंह पर खोल करके कैमरा के सामने बोलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अवेसी अगर उनसे जीत जाता है तो भी वो घर से नहीं निकलेगा, क्योंकि लोग, और मैं तो यही कहूंगी कि औरत से जीत करके तो अवेसी के हिसाब से वो जीत हो ही नहीं। और अगर वो हार जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपके पास पाकिस्तान ना चला जाए शर्म से, वो छुपा छुपा कर। शर्म तो वैसे मेरे ख्याल में दूर दूर से नहीं गुजरी होगी जिस तरह की वो हरकतें करते हैं वहां पर सारे। क्या मुसलमानों के अंदर चेंज आप फील कर रही है कि आ रही है और लोग समझ रहे हैं इनकी जो पॉलिसीज हैं कि ये इस्लाम के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको बेवकूफ बना रहे हैं? डेफिनेटली। और इसी बात का दर्द तो सबसे ज्यादा भारत में इस्लाम धर्म के ठेकेदारों को है, सबसे ज्यादा दर्द है कि मुसलमान। और इस बार का जो की जो वोटिंग होगी ना मुजफ्फर भाई, वो ऐतिहासिक वोटिंग होगी। मुसलमान पुरुष में मुझे लगता है 17 करोड़ में मुझे लगता है कि 2-5 लाख जो है वो बीजेपी को वोट करेगा, और वो भी जो पिता होगा, बेटी का पिता होगा, वही करेगा। और लेकिन जितनी भी मुसलमान महिलाएं हैं जो जिहादन टाइप की हैं, वो 1% निकाल दीजिए, जो मुसलमान महिलाएं हैं वो रोड पर उतर करके मोदी जी के समर्थन में कंपेनिंग भी करेंगी और वोट भी करेंगी। और इसी से डर करके ये लोग कभी कॉम्युनल राइट का एजेंडा खोल रहे हैं, कभी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कभी शैतानी दिमाग खेल रहे हैं और भारत के सुकून को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये मैसेज जब अवेसी या अवेसी के चट्टे बट्टे या ऐसे ऐसे जमजू लोग, जब जिहादी लोग जब पाकिस्तान को भेजते हैं, तो उनको इतनी सी अकल नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो खुद मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, 5 साल की बच्चियों को कंधे पे उठाया जाता है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है, ऑनर किलिंग होती है, कन्वर्शन होता है, 21% माइनॉरिटी से 1% कर दिया गया है, ढंग के अस्पताल नहीं है, बिजली पानी आटा चावल नहीं है, वो क्या कर लेगा? देखिए, मुसलमानों की जुबान बहुत लंबी होती है ये मुझे पता है, लेकिन अब जो 21वीं सदी का सिनेरियो है, इसमें जुबान चलाने से कुछ नहीं होगा, इसमें कर्तव्य दिखाना पड़ेगा, इसमें आपको अपनी क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। तो मुसलमान जो ये जो खैची की तरह जुबान चलाता है ना, तो वो खैची उसके 2 बित्ता नीचे ही काम आ सकता है। इसके अलावा हमारे सिनेरियो को, हमारे सर्कमस्टांसेस को चेंज करने के लिए काम नहीं आ सकता है। और मेरा भारत बहुत शिक्षित भारत है, और इस भारत में मुसलमान कम्युनिटी जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से दलित से भी नीचे है शिक्षा में, मेरा कर्तव्य है मुसलमान बेटी होने के नाते और भारत की पुत्री होने के नाते कि मैं अपनी कम्युनिटी को और अपने साथ, मतलब मुस्लिम बेटियों को, मैं आगे लेकर के आऊं, और मेरी सनातनी बहनों को जिनके साथ हमेशा लव जिहाद जैसा घिनौना काम किया जाता है, मैं उससे उनको बचाऊं। तो आप ये समझ के रखिए कि ये सारी स्ट्रैटेजी, ये सारा जो आतंकी सोच और उसको जो ड्रामा करके बनाया जा रहा है, वो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भारत के मुसलमान, भारत के शिक्षित मुसलमान और भारत की बेटियां, वो मोदी जी के समर्थन में कूद पड़ी हैं, मैदान में उतर पड़ी हैं, और ये मुसलमान धर्म के ठेकेदारों को बर्दाश्त कतई नहीं हो रहा है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया नाजिया जी आपका, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। एक्चुअली मेरे वैसे ज्यादातर तो देखने वाले इंडियंस हैं,
भारतीय हैं जो चैनल को, लेकिन 2000 के करीब जो कुछ जो पाकिस्तानी हैं वो भी हैं जो सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, और वो ये वीडियो उनके लिए बनाई है, ये वैसे तो भारतीय देखेंगे लेकिन उनके लिए बनाई है ताकि उनकी आंखें खुल सके और उन्हें पता चल सके कि ये जो एक छोटा सा क्लिप आप देखकर आपके जहन में एक सवालात उठते हैं और आप फौरन शुरू हो जाते हैं कि जी भारत में मुसलमानों के साथ ये किया जा रहा है, भारत के मुसलमानों के साथ ये किया जा रहा है, तो आपको पता चले कि असल में ये प्री प्लान होता है सारा कुछ, ये मैनेज करके की जाती सारी चीजें और वो उसको हवा दी जाती है कि ये इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले इस तरह की कोई घटना खड़ी हो और जिसमें फिर वो मुसलमान जो है सारे बीजेपी से पीछे हट जाए जो बीजेपी को वोट करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा भी बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ ओवैसी के कारनामों से पर्दा हटाया बल्कि जो दिल्ली में नमाज कांड हुआ, जो रोड पे नमाजी नमाज पढ़ रहे थे उनको लात मारने के चक्कर में जो दिल्ली ऑफिसर सस्पेंड हुआ उस पर भी नाज़िया खान जी ने रोशनी डाली, और कैसे हैदराबाद में छोटी छोटी बच्चियों का जो है वो बाजार लगता है और कैसे छोटी बच्चियां अमीर शख्सों को और बाहर के आए शेखों को बेची जाती है, इसके बारे में नाज़िया खान जी ने काफी फैक्ट्स और फिगर्स रखे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।